आए चलें सब मुजफ्फराबाद बनकर कश्मीरियों की आवाज़। पूरी कौम का कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुजफ्फराबाद में आज जलसा आम से खिताब करेंगे और जलसे का मकसद दुनिया को कश्मीरियों पर मुजालिम से आगाह करना है। वज़ीर-ए-आज़म दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और कश्मीर का मुकदमा एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुनिया के सामने रखेंगे। आए चलें सब मुजफ्फराबाद बनकर कश्मीरियों की आवाज़। पूरी कौम का कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में आज जलसा आम होने जा रहा है। मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म मुजफ्फराबाद में आज जलसे से खिताब करेंगे और जलसे का मकसद दुनिया को कश्मीरियों पर मुजालिम से आगाह करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आज पंडाल सजाया जाएगा जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। आए चलें सब मुजफ्फराबाद बनकर कश्मीरियों की आवाज़। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के दारुल हुकूमत का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पूरी कौम का कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मुजफ्फराबाद में आज जलसे से खिताब करेंगे और इस जलसे का मकसद दुनिया को कश्मीरियों पर मुजालिम से आगाह करना है और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखना है। वज़ीर-ए-आज़म दुनिया को पैगाम देंगे पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। और आज जुम्मे का दिन है जो कि मुख्तस किया गया है और आए चलें सब मुजफ्फराबाद बनकर कश्मीरियों की आवाज़। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया था कि जुम्मे के दिन वो मुजफ्फराबाद जाएंगे जहां कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे और भरपूर आवाज़ उठाएंगे कश्मीरियों के हक़ में। पूरी कौम का कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मुजफ्फराबाद में आज जलसे से खिताब करेंगे।